आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बाटा चौक मंडी मवेशी में बैलों की कसरत होना शुरू हो गई और हर तरह के हर नस्ल के पूरे पाकिस्तान की आला किस्म के बेड़े आपको नज़र आ रहे हैं। कोई सफ़ेद कलर के हैं, कोई ब्लैक कलर के हैं, कोई दो कलर के हैं जिसमें सफ़ेद और ब्लैक के हैं, सुरख कलर के हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको मंडी में बहुत बड़े बेड़ों का एक हजूम आपको नज़र आ रहा है। तो जो जो ईद करीब आ रही है बेड़े ज़्यादा ज़्यादा मंडी में आना शुरू हो गए। ये अब आपके सामने देख रहे हैं कि बेड़ों के लिए खुराक का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। ये मकई के पट्टे हैं, इसके अंदर आटा मिलाते हैं, चोकर मिलाते हैं, भूसा मिलाते हैं, गंदम के दल मिलाते हैं ताकि बेड़ों की सेहत को मेंटेन रखा जाए। तो ये लैया से आए भाई और ये जो वलेती किस्म का बेड़ा है जिसमें काले और सफ़ेद कलर के स्पॉट्स हैं, इसकी 1,50,000 कीमत है भाई। इसकी सफाई कर रहे हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। ये जब लोग कोई बेड़े बकरे बकरियां ख़रीदते हैं तो ये खूबसूरत किस्म के जो बेड़ों को सजाया जाता है उसमें उनकी गर्दन वाले खूबसूरत किस्म के पाँव में डालने वाले ये तो बहुत सारे खूबसूरत किस्म के ये बेड़ों को सजाया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल कल्चर है पाकिस्तान का जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ चीज़ें अपने बेड़ों को सजाते हैं। तो ये वो स्टॉल है जिसमें बेड़ों को सजाने की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। छोटे छोटे बच्चे आपके सामने हैं और इन्जॉय कर रहे हैं मंडी मवेशिया में। मज़ा आ रहा है? हाँ बहुत। इस दफ़ा अच्छे जानवर आए हैं? हाँ बहुत अच्छे जानवर। सामने भाई के तो आयो? अच्छा वैडी तो आयो। माशाल्लाह कितने बेड़े लेके आयो? हाँ कितने बेड़े लेके आयो? 13 बेड़े खूबसूरत सफ़ेद। हाँ जी, ये कितना है इसकी कीमत है? इसकी है जी 8.5 लाख। 8.5 लाख। ये कितने मानो सी? ये तकरीबन होगा 12 मान। अच्छा 12 मान। इसकी कोई खास नस्ल है या? खास नस्ल है, ये धोंदा है। अच्छा धोंदा नहीं, मतलब एक नस्ल जिस तरह फतह जंगी फतह जंगी है। अच्छा फतह जंगी है, माशाल्लाह। इसने ना कोई रखा पाया तो सापड़ा या? हाँ शेरू रखा हुआ है। अच्छा चले जी, आपके सामने ये खूबसूरत व्याड़ी से आया हुआ बेड़ा है जिसका जिसको शेरू कहते हैं। और यार माशाल्लाह हमारे भाई बता रहे हैं इसकी जो नस्ल है फतेह जंगी नस्ल है। तो ये खूबसूरत किस्म का जो बेड़ा नज़र आ रहा है जिसमें सफ़ेद और सफ़ेद कलर का और उसमें काले काले स्पॉट हैं, शेरू इसका नाम है जी। तो शेरू इस वक्त भाटा मंडी में पहुँच चुका है। शेरू की आमद से बच्चे छोटे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, शेरू को देख रहे हैं। तो शेरू जो है फतेह जंगी नस्ल का बेड़ा है और जिसकी कीमत तकरीबन 8 लाख मांग रहे हैं और इसका वज़न जो है तकरीबन 12 या 11 मन के करीब है। ये एक और बेड़ों का जुर्मट है जिसमें दो तरह के रंग हैं, एक सुरख कलर के हैं और दूसरे काले कलर के हैं। तो ये अपना खुराक खा रहे हैं, भूसा वगैरह खा रहे हैं। तो ये खूबसूरत बेड़े ईद कुर्बान पर बिकेंगे। क्यों तुम रहा हो? डेरा गाजी माशाल्लाह। इस बेड़े का की के रेट है? 2,40,000। हाँ जी 2,40,000। तो ये वाला जो सफ़ेद कलर का बेड़ा है जी, ये नुकरा जी। अच्छा ये नुकरा बेड़ा है जी। तो अब राजनपुर का जी, राजनपुर का एक खूबसूरत किस्म का बेड़ा है जिसको नुकरा नस्ल का बेड़ा कहते हैं जो कि राजनपुर से आया, जो कि हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो राजनपुर के लोग बड़ी मीठी सराकी भी बोलते हैं। तो ये राजनपुर का जो बेड़ा है नुकरा सफ़ेद कलर का है, तो इसकी क्या कीमत है जी? 14 लाख। इसकी 14.5 लाख है जी नुकरे की। तो ये 14.5 लाख का माशाल्लाह करे कि इनका ये खूबसूरत बेड़ा बिक भी जाए और कुर्बानी भी जो ले तो उसकी कबूल हो जाएगी। व्याड़ी का खूबसूरत बेड़ा भाई राजनपुर से लेके आए हैं और जिसकी कीमत तकरीबन 14.5 लाख है माशाल्लाह। तो ये 14.5 लाख का बेड़ा नुकरा दोंदा है जी माशाल्लाह। भाई थोड़ा नाम की है? राणा मोहम्मद सगीर। अच्छा राणा मोहम्मद सगीर साहब बिहाड़ी से। बिहाड़ी से हैं जी राणा मोहम्मद सगीर साहब बिहाड़ी से। ये खूबसूरत किस्म का हाईली एग्रेसिव किस्म का हाईली जज्बाती किस्म का दोंदा बेड़ा है जो कि नुकरा बेड़ा है राजनपुर का। ये मुख्तलिफ खाने की चीज़ों के स्टाल लगे हुए हैं जैसे मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ बन रही हैं और मंडी मवेशी के साथ साथ लोगों का जूम है जिसमें डिफरेंट
तरह के खाने की चीज़ें, ये कोल्ड ड्रिंक स्टॉल है। ये पकौड़ों का स्टॉल है। कितों आयो? इस्लामाबाद तो आयो। ये भाई आटा गूंथ रहे हैं और मगरब के बाद बहुत सारे लोग यहाँ इस होटल में आएंगे और खाना खाएंगे। भाई ये सब लोग घट आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं जी मंडी से? कम आ रहे हैं। चलो ईद के करीब करीब ज़्यादा हो जाएंगे। ये एक और हमारे राना मोहम्मद सगीर साहब एक और हमें बेड़ा बता रहे हैं। ये कौन सी किस्म का है जी? ये फतेहजंगी किस्म का मिक्स नस्ल का बेड़ा है, ये आप देख सकते हैं। आप जो कि हमारे इलाके की पहचान है, क्योंकि मैं भी अटक से बिलोंग करता हूँ, तो ये अटक का खूबसूरत बेड़ा फतेहजंगी नस्ल का बेड़ा है। इसकी कितनी कीमत है भाई? 15 लाख। इसकी 15.5 लाख। ये सबसे बड़ा इस साल का जो ये 15-20 बेड़े लेके आए हैं, सबसे बड़ा जो महंगा बेड़ा है इनके पास, ये 15.5 लाख है। तो माशाल्लाह इसको आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत दोंदा जवान किस्म का खूबसूरत बेड़ा आपके सामने खड़ा है। चार दांत चार दांत।